कोरोना के बीच श्रवण मास के नवरात्रे शुरू होते ही उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं का खूब जमघट लगने लगा है। चिंतपूर्णी में लगने वाले श्रवण मेले का काफी महत्व माना जाता है, इसलिए भारी तादाद में श्रद्धालु मां चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए प्रशासन ने शक्तिपीठ में सुरक्षा पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। कोरोना के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा जारी SOP के तहत दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को SOP का पालन करने के तहत दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी की माने तो इस बार कोरोना के चलते नवरात्रों की शुरुआत की गई है। लोग माता का आशीर्वाद लेने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने यहाँ पहुँच रहे हैं। जय माता दी, सभी श्रद्धालुओं को आज श्रावण अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को मां चिंतपूर्णी के मेले आयोजित होते हैं। इस बार ये मेला 9 अगस्त से आज के दिन आरंभ हुआ है। मैं और आप सभी जानते भी हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष तो ये मेले स्थगित थे, परंतु कोरोना महामारी का जो तीसरी लहर की जो आहट हुई है उससे सब लोग भयभीत हैं, परंतु प्रशासन ने हर प्रकार की हिदायतों को देखते हुए इस बार मेले को आयोजित किया है। जैसे कि सभी श्रद्धालु भी जानते हैं और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने COVID-19 की जो हिदायतें दी हैं, जैसे कि सभी श्रद्धालु अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर साथ में आएं और उनको दो वैक्सीन लगी हुई है उसका सर्टिफिकेट साथ लेकर आए, जिससे और आप सभी भक्त बड़ी आसानी से माँ के दर्शन कर सकते हैं। मैं माँ चिंतपूर्णी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ चिंतपूर्णी इस कोरोना महामारी से हमारे पूरे भारत पूरे देश विदेश की रक्षा करो। सभी भक्तों की माँ मनोकामनाएं पूर्ण करे। एक बार सभी भक्तों को इस श्रावण अष्टमी मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय माता दी। मंदिर में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही उन्हें आगे आने की अनुमति दी जा रही है। जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि बॉर्डर पर अभी तक 1500 से ज्यादा लोगों को वापस भेजा जा चुका है जिनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। अधिकतर लोग रिपोर्ट चेक करवा के ही आगे आ रहे हैं। और क्योंकि पहले भी हम पिछले कुछ एक दिनों से लगातार प्रचार प्रसार जिला प्रशासन की तरफ से जुटे हुए हैं कि प्रॉपर जो डायरेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट, इनको फॉलो करने के बाद ही आप जो है दर्शनों के लिए आएँ। तो इसी की कड़ी में हम लोग जो है एक औचक निरीक्षण पे यहाँ निकले हैं। तो महतपुर बॉर्डर पर व्यवस्थाएँ देख के मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। तो जो भी एक आवश्यक जो हमारी डायरेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कि 72 घंटे तक जो है आपका RT-PCR नेगेटिव होनी चाहिए रिपोर्ट, या फिर अगर आपकी कोवैक्सीन या कोविशील्ड की फर्स्ट डोज या सेकंड डोज दोनों डोज आपकी लग चुकी हैं, तभी आप जो है दर्शनों के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। तो इसकी पूरी जो है तथ्यों की जान छानबीन करने के बाद ही लोगों को यहाँ से इस बॉर्डर के माध्यम से जो है दर्शनों के लिए आगे अलाउ किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1500 से लेकर 1600 जो श्रद्धालु हैं अभी तक उनको वापस किया जा चुका है, क्योंकि वो लोग विदाउट जो है वेरीफाइंग द फैक्ट्स और बिना किसी तथ्यों के अपने जो है रिपोर्ट्स के यहाँ पे बॉर्डर के थ्रू दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको जिला प्रशासन द्वारा पुलिस टीम की मदद से यहाँ से वापस किया गया है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से फिर से जो है श्रद्धालु हैं जो पब्लिक हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उनको प्रॉपर जो है उनकी पालना करना सुनिश्चित करें। और अगर आप RT-PCR नेगेटिव हैं, आपकी रिपोर्ट साथ कैरी कर रहे हैं, और अगर आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन कि फर्स्ट डोज से दोनों डोसेज आपकी लग चुकी हैं, तभी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्वागत किया जाएगा। क्या नाम है? करनैल सिंह जी। करनैल जी कहाँ से आ रहे हैं और क्या दिक्कत आई है? हम आ रहे हैं पंजाब से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर धूरी से। तो हमें जहाँ पर रोक लिया, कहते हैं भी कोविड की स्लिप लाओ। कोविड तो पहले चेक करा चुके हैं हम, अब हमारे पास तो है नहीं, तो इंजेक्शन वैक्सीन लगवाई हुई है, एक लगी हुई है, बाकी 9वें महीने में लगेगी सितंबर में। लेकिन सरकार ने तो आदेश किया है कि 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना अनिवार्य है, क्या आपको इसकी नहीं सानू कोई जानकारी नहीं इसकी? तो अब आप वापस जाएंगे क्या विकल्प? देखते हैं जी क्या बनता है। मदन जी, मदन जी कहाँ से आ रहे हो, क्या जहाँ पर दिक्कत आई आपको? पंजाब से आए हैं सर, और इधर अपना पीर निगाहे जाना था, तो पुलिस वालों ने रोक लिया। पूछ रहे हैं आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है? हमें पहले तो मालूम नहीं था कि नेगेटिव रिपोर्ट, अगर हमें ये पहले मालूम होता या कहीं पता होता तो बनवा के लाते,
वैक्सीन हमारे लगी हुई है तो हमें जाना है, तो ये इसकी दिक्कत आ रही है हमें। तो दोनों वैक्सीन की डोज लगी हुई है? नहीं, सिंगल डोज लगी है। सिंगल के लिए 84 डेज के बाद लगती है ना सर, काफ़ी समय बाद लगती है। तीन महीने अभी भंडारा है वहाँ पे, इसलिए जाना है वहाँ।